तो जितने भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका भाई डिमांड था कि भाई प्रिडिक्शन की वीडियोस भी हमें चाहिए। हम लोग प्रिडिक्शन में भी यहाँ पे सही तरीके से टीम बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि भाई आप लोग सभी लोग जानते हो, आज यहाँ पे दोपहर को 3 बजे यहाँ पे श्रीलंका प्रीमियर लीग चल रही है यहाँ पे, जहाँ पे KFL वर्सेस DS के बीच में मैच होने वाला है। तो आज हमारे साथ फिर से फैंटसी क्रिकेट एक्सपर्ट सोनू जी बैठे हैं। तो सोनू जी, अगर हम बात करें तो ये जो लीग है, ये यहाँ पे पहली बात तो 7.5 करोड़ का प्राइस पूल है यहाँ पे, और रैंक वन वाले को यहाँ पे 40 लाख, रैंक सेकंड वाले को 10 लाख, और रैंक थर्ड वाले को 4 लाख रुपए इनाम घोषित करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी यूनिक टीम बना के आज आप हमारे व्यूवर्स को दें कि ड्रीम इलेवन में वो लोग विनिंग जोन में आ पाएँ, रैंक 1 से लेकर 3 या 5 के बीच में आए, क्योंकि यहाँ पर रैंक 6 वाले को भी 1 लाख मिल रहा है और 1 लाख रुपये भी कम नहीं होते। तो कैसे आखिर आज के इस श्रीलंका प्रीमियर लीग में विनिंग हो सकती है और पूरा क्या इसका स्ट्रेटजी है, हम चाहते हैं कि आप विस्तार पूर्वक स्क्रीन में शेयर भी करके अपनी पूरी जानकारी भी देके एक अच्छा प्रिडिक्शन आप दीजिए। तो मैं सबसे पहले सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे हमारी जो ट्रिक्स की वीडियो देख के काफ़ी अच्छा सीखते हैं। और इवन अगर देखो, सीधी सी बात है कि अगर हम लोग ट्रिक बताते हैं ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाने की या ग्रैंड लीग जीतने की टिप्स बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रेडिक्शन नहीं बताएंगे तो आखिर खेलेंगे कैसे। तो इसीलिए प्रेडिक्शन का वीडियो, मतलब अब जैसे मैं बात करूं, आज जो मैच होगा शाम के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, जिसमें कैंडी फाल्कन्स और दम्बूला सिक्सर के बीच में मैच होगा, इस मैच में जैसा कि आपने बोला कि 40 लाख का रैंक वन का प्राइज है, तो अगर 40 लाख रुपए कोई जीत जाता है तो वो उसकी किस्मत समझ जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि जीतना कैसे है, तो सिंपल सी बात है कि एक टीम बनानी है, उस टीम में आपको रैंक वन आना है। रैंक वन मीन्स तभी आओगे जब आपका पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इवन दोस्तों, जो लंका प्रीमियर लीग है उसमें जो आज का मैच है 3 बजे, इस मैच में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या रहने वाली है ग्रैंड लीग की टीम, क्या रहने वाली है यूनिक टीम, यानी कौन सी टीम आप बनाओगे कि उस टीम का पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी बताऊंगा आपको कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किस तरीके से आप बनाएंगे कि वही प्लेयर चले। तो दोस्तों, जहां तक मैं बात करता हूँ प्रेडिक्शन की, तो फॉर्मूले और लॉजिक पे अगर आप टीम बनाएंगे तो उस तरीके से 4 टीम बनेगी, और इन 4 टीमों में दोस्तों मैं बता दूं कि आपको गजब तरीके की विनिंग होगी। और सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो में आप समझिए कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है। अभी मैं जैसा कि अभी मैं कुछ देर में यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, उससे पहले मैं प्रियम भाई और हम दोनों लोगों का एक बार ही, आप लोग, हम दोनों की तरफ से एक बार मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि मतलब पूरे यूट्यूब वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता है जहां पे दो एक्सपर्ट मिलके एक साथ, दो ग्रैंड लीग के विनर एक्सपर्ट मिलके एक साथ वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों को उससे बहुत सारे चीज सीखने को मिलती है। इसके अलावा प्रियम भाई का और मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही मैच शुरू होता है, अनाउंस होता है, वहां पे टीम दी जाती है। दोस्तों, एक इसके लिए सॉरी भी है कि कभी कभी हमारी टीम नहीं भी जाती है, क्योंकि यार अगर आप कभी कभी बिजी रह सकते हो तो हम भी इंसान है, हम भी मतलब प्रोफेशनल इंसान है, हम भी बिजी रह सकते हैं। तो कभी कभार अगर टीम नहीं भेजी जाती है तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारे जो पुराने वीडियो उसको देख के आप टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ, इवन प्रेडिक्शन शुरू कर देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो एंड चैनल दोनों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूं कि लंका प्रीमियर लीग का जो मैच है, तो दोस्तों अभी आप लोगों को यहां पे जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगा कि मैच का मतलब किस तरीके से आपको टीम बनानी है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, लंका प्रीमियर लीग में KFL और DS के बीच में मैच होने वाला है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको टीम बनानी है। तो टीम यहाँ पे 49 लाख रुपए में, जैसा कि आप देख रहे हैं 49 रुपए में 40 लाख रुपए की टीम है। तो गाइज, अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले देखो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में दिख रहे हैं कुशल परेरा, दिनेश चांदीमल, इस उदारा और मोहम्मद हारिस है, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी है। बैटमैन सेक्शन में मैं बात करूं, मार्क चैंपियन है और रिजा हेंड्रिक्स है, इसके अलावा एंडर फ्लेचर है, कुशल मेंडिस है, इब्राहिम जादरान है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैं बात करूं, वर्ल्ड क्लास के सबसे शानदार बॉलर वानिंदु हसरंगा, एंजेला मैथ्यूज,
मोहम्मद नबी, दसून सनाका, विक्रम सिंघा, रमेश मेंडिस और हेमंता हैं। बॉलर सेक्शन की मैं बात करूं तो दुष्मंता चमीरा, नुआन तुषारा, मोहम्मद हसनैन, इस्लाम मधुशंका और नुआन प्रदीप है। तो ये दोस्तों हमारी हमारे जो प्रोबेबली प्लेइंग 11 में खेलेंगे ये लोग हैं। उसके बाद अगर मैं पिच की बात करूं दोस्तों तो ये आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच होने वाला है। और वहीं पे मैं बात करूं स्कोर की तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बैटिंग पिच है, यानी 200 रन के आसपास यहाँ पे स्कोर है। स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलेगी जबकि पानुदी हसरंगा स्पिनर है, आपको पता ही है। और पिच जो है वो बैटिंग है। दोनों टीमों के बीच में अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें दोस्तों तो अभी तक टोटल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 6 मुकाबले जो है वो कैंडी ने जीते हैं और 4 मुकाबले जो है वो दम्बोला ने जीता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि हमारी टीम किस तरीके से बनेगी, हमारी टीम किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले मैं डीएस की बात करूं दम्बोला की, तो अगर दम्बोला पहले बैटिंग करती है तो वो क्या करना है, दम्बोला पहले बैटिंग करती है तो कुशल परेरा एक बल्लेबाज को लेना है जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट भी लेके आए हैं। इसके अलावा एक बल्लेबाज और हमें मार्क चैंपियन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक जो हमारे प्लेयर हैं विक्रमा सिंह, और एक प्लेयर को हमें लेना पड़ेगा, एक रिस्की प्लेयर इब्राहिम जादरान को लेना पड़ेगा। तो 4 जो बल्लेबाज है दोस्तों ये हमारे बल्लेबाज हो गए। उसके बाद दोस्तों हम दम्बोला की तरफ से जो कैंडी की तरफ से जो बॉलर बल्लेबाज लेंगे उसमें लेंगे दिनेश चांदीमल। इसके अलावा दोस्तों हम कुशल मेंडिस को सिलेक्ट करेंगे, आंद्रे फ्लेचर को सिलेक्ट करेंगे और एक सिलेक्ट करेंगे हम वानिंदु हसरंगा को, क्योंकि हसरंगा भी बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। अब हमारे 8 प्लेयर दोस्तों टोटल हो गए, टोटल हमारे कितने प्लेयर हो गए दोस्तों, 4 और ये 8 प्लेयर टोटल हो गए। उसके बाद 3 जो बॉलर हैं, हम बॉलर में किसी बॉलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पे टीम गाइड बना ली है, ठीक है, एक टीम हमारी बनके तैयार है। अब इस टीम में दोस्तों आपको दिख रहा है कि कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे होंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन सीधी बात है, पहले बैटिंग कर रही है डीएस की टीम, तो डीएस की टीम का किसी एक प्लेयर को, बल्लेबाज को हम कैप्टन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मार्क चैंपियन को कप्तान, क्योंकि मार्क चैंपियन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अभी आजकल बहुत ही ज्यादा श्रीलंका प्रीमियर लीग में अच्छा खासा खेल रहे हैं। तो मार्क चैंपियन को कप्तान बना दिया। उसके बाद यहाँ पे दिनेश चांदीमल को पहली टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों दूसरी जो टीम है उसमें हम बनाएंगे आंद्रे फ्लेचर को कप्तान। उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों तीसरी जो टीम है, तीसरी जो टीम में हम बनाएंगे कप्तान, हम बनाएंगे इब्राहिम जादरान को। और जो चौथी टीम है उसमें हम कैप्टन बनाएंगे गाइज, उसमें कैप्टन बनाएंगे हम विक्रमा सिंघे को। वाइस कप्तान दोस्तों हम या तो चाहे हम चाहें तो वाइस कप्तान वनिंदु हसरंगा को भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे वनिंदु हसरंगा को कप्तान, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे किसको कप्तान, वनिंदु हसरंगा को। उसके बाद एक टीम में कप्तान हम बनाएंगे दोस्तों जादरान की जगह हम कप्तान बनाएंगे इसमें कुशल मेंडिस। तो ये 4 टीमें दोस्तों बन गई, 4 टीमें बन गई हमारी। इन 4 टीमों में लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले अगर ब्लैक वाली टीम बैटिंग करेगी तो उसका एक प्लेयर अगर सबसे ज्यादा अच्छा खेल गया, यानी इब्राहिम वो मार्क चैंपियन अगर अच्छा खेल गया, मार्क चैंपियन अगर अच्छा खेल गया गाइज, तो इसका करना क्या है कि ये सभी टीमों का काम कर जाएगा मार्क चैंपियन। इसके अलावा दोस्तों कुशल परेरा, इब्राहिम जादरान और विक्रमा सिंघा, ये लोग क्या है कि 10-20 रन तो बनाते ही बनाते हैं। अब जब बैटिंग करने आएगी किसकी टीम, दम्बोला की टीम, यानी डीएस की टीम जब बैटिंग करने आएगी तो होगा क्या, जब कैंडी की टीम बैटिंग करने आएगी तो उसमें से कोई एक बल्लेबाज होगा जो कि सबसे ज्यादा रन बना देगा। अब उन बल्लेबाजों में दोस्तों दिनेश चांदीमल हो सकते हैं, आंद्रे फ्लेचर हो सकते हैं, कुशल मेंडिस हो सकते हैं और वनिंदु हसरंगा हो सकते हैं। इस तरीके से अब मैं बात करूं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दोस्तों, पहली टीम का स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन ये है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। तीसरी टीम के जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है वो आप तीसरी टीम का वाइस कैप्टन कैप्टन यहाँ से सेलेक्ट कर लो। चौथी टीम का जो वाइस कैप्टन एंड कैप्टन है ये दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से 4 टीमें बनी दोस्तों। इन 4 टीमों में आपको करना क्या है, 4 टीमें या तो चाहे इस तरीके से आप बना लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को देखो सीधी सी बात है कि जब अनाउंस होगी टॉस होगा तो बहुत सारे प्लेयर इसमें चेंज हो सकते हैं। तो अगर आपको प्लेयर अलग अलग तरीके से चेंज हो गए, समझ में नहीं आ रहा है, आपको टीम में कंफ्यूजन हो गई, आप कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पाए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। इसी तरीके की मतलब इसी फॉर्मूले से जो टीम होगी वो टीम टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे।
अभी थोड़ा सा प्रियम भाई बता दे, उसके बाद दोबारा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे भाई आप लोग जानते हैं कि आज का जो मैच होने वाला है, पहली बात तो भाई अपने आप में मेगा लीग है, और मेगा लीग में जब आप लोग यहाँ पे विनिंग स्ट्रेटजी समझ लेंगे ना, तो फिर आप लोग दोस्तों यहाँ पे विनिंग भी कर पाएंगे। तो जैसा कि अभी हमारे सोनू जी ने यहाँ पे कुछ जानकारी दी, मैच के स्टैट्स के बारे में हमको जानकारी दी, प्लेयर्स के बारे में बताया, आज के मैच में हमको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करने को देख मिल सकती हैं। तो टेलीग्राम पे भाई जैसा कि सोनू जी हमें बताया कि भाई अगर कोई प्लेयर रिप्लेस होता है या कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या प्लेयर में किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो वो हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। हाँ, इसके अलावा मैं और एक बात बता दूं कि दोस्तों, ये मैंने बताया कि जब दम्बोला बैटिंग करेगी तो जब ऐसा नहीं कि दम्बोला बैटिंग करेगी, हो सकता है वो फील्डिंग करे पहले, तो जैसे ही वो फील्डिंग करेगी तो आपको करना क्या है दोस्तों, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम उल्टा टीम बना के दे देंगे आपको, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसीलिए एक ही मतलब कोई एक टीम पहले बैटिंग करेगी उसी का पता बताते हैं, जो अगर वो टीम फील्डिंग पहले कर रही है तो उसका टेलीग्राम चैनल पे हम दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको रैंक वन ही लाना है, लंका प्रीमियर लीग में रैंक वन लाना है, तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट है इस टीम का, तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लो। इसके अलावा दोस्तों दो तीन चीजें और मैं बता दूं, जब भी आप टीम बनाएं तो बाद में बैटिंग करने वाले जो बल्लेबाज हैं उनको टीम बनाएं, क्योंकि श्रीलंका लंका प्रीमियर लीग में होता क्या है कि अगर आप बॉलर से जाओगे खेलने तो आप हारते रहोगे, और बाद में बैटिंग करने वाले चार बल्लेबाजों को कैप्टन बनाओ, अगर चार बल्लेबाजों को कैप्टन बनाते हो चल जाते हैं पांचवा और छठवां, तो आपको करना क्या है कि दो और बल्लेबाज को बढ़ा लेना है, कभी कभी होता है कि छठवें नंबर का बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बना देता है, तो इस तरीके से बाद में बल्लेबाजी करने वाले टीम के जो प्लेयर्स हैं बल्लेबाज उनको आप कैप्टन बना के जरूर चलना, कम सिलेक्शन परसेंटेज को जरूर लेना, कभी होता है दोस्तों कभी कभी आपको करना क्या है कि वनिंदु हसरंगा को जरूर से ड्रॉप कर देना एक दो टीमों में, क्योंकि उसका परसेंटेज 97% है, और अगर वो फेल हो गया और आपने उसको अपनी टीम में लिया है तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा आपका। तो श्रीलंका लंका प्रीमियर लीग में जो भी मैच होंगे सारे मैचों को हम कवर करेंगे, आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हमने पहले ही इस वीडियो में किसी वीडियो में जिक्र किया है कि आप लोग इंडिया के मैचों के पीछे और आईपीएल के मैचों के पीछे ना भागें, क्योंकि वहां पे आपको बर्बादी हो सकती है। अगर प्रॉफिट कमाना है, आपको फायदा कमाना है, तो दूसरे छोटे छोटे सीरीज में भी आप लोग बाजी मार सकते हो, जैसा कि आज आज की वीडियो देख के आप बाजी मारोगे लंका प्रीमियर लीग में।